बच्चों के पोषण स्तर में विकास को लेकर हर साल सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इस पोषण माह के दौरान पोषण आहार के प्रति जन जागरूकता को लेकर प्रदेश भर में कई गतिविधियां हो रही हैं। कटनी जिला महिला एवं बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी ग्रामीण अंचलों में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को पोषण आहार के लिए जागरूक कर रहे हैं। महिला और बाल विकास विभाग के माध्यम से आउटरीच प्रोग्राम, पहचान अभियान, शिविर और मेले आयोजित हो रहे हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, मोटे अनाज का उपयोग, साफ सफाई और हमारे जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, गर्भवती धात्री माता हैं, जो हमारी किशोरी बालिकाएं हैं, ये कैसे स्वस्थ रहें और इनकी बेहतर स्वास्थ्य हो, इन सारे मुद्दे पे प्रतिदिन 10 से 12 गतिविधियां ग्राम स्तर पे की जा रही है। और वैसे हितग्राही या लोग जो प्रमुख स्थल पे नहीं आते हैं, उन्हें गृह भेंट करके भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, ANMs, ये लोग उनको गतिविधियों को बताते हैं और निरंतर ये कार्यक्रम सभी के सहयोग से अच्छे से किया जा रहा है। कटनी जिले की शहरी परियोजना में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। गुलाबचंद स्कूल में आंगनबाड़ी में आज राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया, जिसमें अलग अलग थीम पर गतिविधि का आयोजन किया गया था। आज की जो गतिविधि थी उसमें गर्भवती माता की गोद भराई एवं उसको समझाई देना था और 6 माह से 2 वर्ष के बच्चों को ऊपरी आहार के बारे में बताना कि कैसे आप अपने बच्चों को अलग अलग प्रकार का ऊपरी आहार दें ताकि वो बच्चे अपने अच्छी तरह से विकास कर सकें। और मैं एक गर्भवती महिला हूँ और हमें यहाँ पे पोषण आहार दिया जाता है और पोषण आहार संबंधी सारी सुविधाएं दी जाती हैं और बच्चे की देखरेख कैसे करनी है उस प्रकार की भी सुविधाएं हमें यहाँ पे दी जाती हैं और हमें कैसे अपने बच्चे को ध्यान रखना है उस प्रकार की भी सारी जानकारी हमें आंगनवाड़ी से प्राप्त होती है और पोषण भी दिया जाता है, पोषण आहार भी दिया जाता है, सारी सुविधाएं दी जाती हैं।